वेलकम यूट्यूब एमिनिकेशन, यू आर वाचिंग लेट स्टडी। सो आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, मतलब एलपीटी की। तो लास्ट इसमें आप देख रहे हैं पूरी सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसके अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो प्रोसीजर हमारा सेम रहेगा, पहले मैं अपने जो हमारे एक्सटर्नल में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करूंगा, और फिर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था, सबसे पहले पेपर वन की हम बात करेंगे, जिसके अंदर हमारा यूनिट वन एंड टू आती है। तो इसमें हमारा है बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वूल फाइबर। ठीक है, तो वूल फाइबर का प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी वूल फॉलिकल्स, ये इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वूल के अंदर। ठीक है, लॉन्ग में हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ वूल, डेवलपमेंट ऑफ वूल फाइबर और प्राइमरी सेकेंडरी वूल फॉलिकल में डिफरेंस। इसके अलावा इनलिस्ट नेम होंगे डिफरेंट पास्चराइजेशन मेथड यूज इन पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क विद HTST मेथड। ठीक है, तो ये जो पास्चराइजेशन है ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था वीपी के अंदर भी। ठीक है, और यही मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एलपीटी के अंदर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पास्चराइजेशन में आपको डिफरेंट मेथड भी पूछे जा सकते हैं एक एक को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे या फिर जैसे यहाँ पे पूछा गया कि सिर्फ नाम पूछे हैं और एक को डिफाइन करने के लिए बोला है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आइसक्रीम आया था, डिफाइन आइसक्रीम एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम। ये क्वेश्चन पेपर मतलब इजी था, मैं बोलता हूँ कि मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, तो इससे मतलब एक हटके भी क्वेश्चन, थोड़ा आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा कि वो क्वेश्चन भी हमारा आ सकता है। तो आइसक्रीम आया था, इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ HACCP इन मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। तो HACCP मैंने जैसा बताया वीपी के अंदर भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके वीपी के अंदर भी आने ही आने हैं और जो आपके यहाँ पर भी आने ही आने हैं। वो दो क्वेश्चन क्या है, HACCP पहला और दूसरा पास्चराइजेशन। ये दो क्वेश्चन के बिना पेपर नहीं बनता। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपको वहां पर भी मिले थे और यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, ये आप देख लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल मिल्क, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, स्पेशल मिल्क हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देख लीजिएगा। बटर आया था हमारे में अकॉर्डिंग टू PFA अलोन विद इट्स कंपोजिशन एंड राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बटर इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, इसके अलावा घी आया था और PFA के अकॉर्डिंग उसकी क्या क्या कंपोजिशन है वो देखने के लिए लिखी थी और उसका प्रिपरेशन के लिए बोला था। फिर आया था चीज, मतलब सारे जो मेजर टॉपिक्स थे ना वो पेपर के अंदर आ गए थे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ मतलब पेपर थोड़ा सा एलपीटी का इजी था हमारा। फिर व्हाट इज चीज, व्हाट आर एसेंशियल स्टेप इन चीज मेकिंग। फिर इसके बाद आता है हमारा राइट डाउन इन डिटेल अबाउट द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। प्रोसेसिंग ऑफ वूल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है। एक CIP, ठीक है, क्लीन इन प्लेस सिस्टम, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा एक बार वीपी के अंदर भी पूछा गया है, इंटरनल एक्सटर्नल में नहीं आया। ठीक है, एंड फिर आता है दही, डिस्कस अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर यूज्ड इन द दही मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट में हमारा कैफिर इम्प्योरिटीज ऑफ वूल, प्लेटफॉर्म टेस्ट, पास्चराइजेशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क एंड होमोजराइजेशन। ये प्लेटफॉर्म टेस्ट आपने वीपी के अंदर भी देखा था। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिमिलर हो जाते हैं। अब बात आती है पेपर टू की। पेपर टू में हमारा सबसे पहला जो आता है वो है व्हाट इज ह्यूमन स्लॉटर। ठीक है, पेपर टू के अंदर आपका जो यूनिट आ रही है वो यूनिट 3 और 4 है, व्हाट इज ह्यूमन स्लॉटर। हालांकि पर्सनली मैं मानता हूं कि स्लॉटर कभी भी ह्यूमन नहीं होता। ठीक है, और ऐसा कोई वर्ड नहीं होता ह्यूमन स्लॉटर, बट ठीक है, जैसा हमें पढ़ाया जाता है वैसे ही मतलब ठीक है ये चीज चलती आ रही है ह्यूमन स्लॉटर। तो ह्यूमन स्लॉटर पूछा गया, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और डिफरेंट मेथड ऑफ स्टनिंग एंड फूड इन फूड एनिमल्स, तो ये भी क्वेश्चन स्टनिंग का वहां पर भी इंपॉर्टेंट था, स्टनिंग का यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। इनलिस्ट डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट। ठीक है, डिस्क्राइब एनी मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, एक को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। मतलब जिसने भी पेपर बनाया था ना हमारा, मैं इसलिए ये चीज बोलता हूँ, दोनों ही पेपर मतलब उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया। मतलब ऐसा नहीं कि यार आपने क्वेश्चन की लेंथ ही नहीं देखी, कुछ भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोला है कि डिफरेंट मेथड को इनलिस्ट करो और एक को डिफाइन कर दो, तो इतना समझ में आता है, 4 नंबर में इतना लिखा जा सकता है। अब ये सभी को आप डिफाइन करवा रहे हो, सभी को डिस्क्राइब करवा रहे हो, तो उसमें बच्चे के पास टाइम नहीं बचता कि वो लिखे क्या। ठीक है, मतलब कहां तक लिखे वो। तो ये बहुत बढ़िया तरीका था पेपर बनाने का जिसने बनाया। फिर डिस्कस अबाउट मीट इंस्पेक्शन एंड जजमेंट, मीट स्पीसिएशन
का टॉपिक बीपी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम इन डिटेल। यहाँ पर एंटीमार्टम पोस्टमार्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीमार्टम वहां पर भी आया था हमारा, याद होगा आपको, ठीक है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कुछ टॉपिक ना मतलब ऐसे है यही इंपॉर्टेंट है और यही बीपी में आएंगे और यही एलपीटी में आएंगे, ठीक है, तो आपका दोनों पेपर का काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आता है डिस्क्राइब द पोस्टमार्टम चेंजेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट। ये कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मीट से जरूर पूछा जाता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड टू स्किन इन अ लेदर डिटेल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था टॉपिक, मैं इतना इसे तैयार करके नहीं गया था, ये एक रीजन था, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ा था। फिर था स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मसल विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Enumerate various part of abattoir and describe line dressing system in detail. Various part of abattoir में आपको मतलब वो बना देना है, आपने बुक के अंदर देखा होगा बीडी शर्मा में वो डायग्राम बना रखा है, ठीक है, कि यहाँ से ये है वो है, तो वो पूरा डायग्राम बना सकते हैं आप और लाइन ड्रेसिंग सिस्टम आप बता सकते हैं। डिस्कस डिफरेंट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रेडुलेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीट इन डिटेल। मैंने बताया था मीट स्पीसिएशन इंपॉर्टेंट है वीपी के अंदर, मीट स्पीसिएशन हमारा यहाँ पर भी आया हुआ है, फ्रेडुलेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीट, ठीक है, एक ही बात है मीट स्पीसिएशन। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन ड्रेसिंग सिस्टम यहाँ पर भी पूछा गया, देखिए ऊपर, ठीक है, और लाइन ड्रेसिंग सिस्टम यहाँ पर भी आ गया विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लाइन ड्रेसिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर इमल्स्ड बेस्ड कम्युनिटेड मीट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एचएसीसीपी यहाँ पर भी आ गया, ठीक है, और एचएसीसीपी मैंने अभी आपको दिखाया था पहले पेपर में भी था, देख रहे हैं आप। तो ये एचएसीसीपी ही एलपीटी के दोनों पेपर में आया, पेपर वन में भी आया, पेपर टू में भी आया। इसके अलावा एचएसीसीपी वीपी के पेपर वन में भी आया, इसके अलावा एचएसीसीपी दोनों के इंटरनल में भी आया, ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है 6 से 7 बार कम से कम आया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं पेपर वन और पेपर टू दोनों में आया। 7 प्रिंसिपल डिस्कस अबाउट इट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन मीट इंडस्ट्री, ठीक है। अब इसके अलावा केमिकल कंपोजिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ शेल्ड एग एंड प्री स्लॉटर केयर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल, प्रिपरेशन ऑफ मीट फूड ऑयल, ये मैं नहीं पढ़ के गया था, ठीक है, ना ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, पर एक बार देख लीजिएगा आप। जेनेटिकली मॉडिफाइड मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ शेल्ड एग, लॉ गवर्निंग नेशनल इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ मीट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडेम्ड मीट एंड कार्कस, ये अभी उसमें भी देखा था कि स्लॉटर हाउस के जब वेस्ट है उसे कैसे डिस्पोज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो एलपीटी की सबसे पहले यूनिट वन आती है, जिसमें हम देखते हैं यूनिट वन का नाम क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रेट्रोस्पेक्टिव, एंड इसमें आप सिलेबस एक बार खोल के देख लीजिएगा, ठीक है, साथ के साथ, तो आपको ज्यादा सही रहेगा। प्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टस ऑफ मिल्क इंडस्ट्री इन इंडिया, लेआउट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेआउट ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट एंड इट्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोजिशन एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क एंड फैक्टर अफेक्टिंग मिल्क कंपोजिशन, आया हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पूछा जाता है, इंटरनल में आया हुआ है। माइक्रोबायोलॉजिकल डिटोरिएशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा बैक्टीरिया कौन से कलर का मिल्क प्रोड्यूस करता है, क्या स्मेल प्रोड्यूस करता है, पूछा जाता है। कलेक्शन चिलिंग स्टैंडर्डाइजेशन पास्चराइजेशन यूएचटी ट्रीटमेंट होमोजेनाइजेशन बैक्टीरिया फ्यूगेशन, तो इसमें हमारा पास्चराइजेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसके अलावा यूएचटी भी इसी के अंदर, होमोजेनाइजेशन बैक्टीरिया फ्यूगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, होमोजेनाइजेशन आया हुआ है, बैक्टीरिया फ्यूगेशन भी शॉर्ट आउट में पूछा जा सकता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा ड्राई डिहाइड्रेटेड एंड फर्मेंटेड मिल्क, फर्मेंटेड मिल्क हमारे में पूछा गया है, ठीक है, ड्राइड एंड डिहाइड्रेटेड की डेफिनेशन देख लीजिएगा, शॉर्ट में आ सकती है। प्रिपरेशन ऑफ क्रीम बटर आया हुआ है हमारे में, ठीक है, छेना पनीर घी आया हुआ है हमारे में, खोआ लस्सी दही दही आया हुआ है हमारे में, आइसक्रीम आया हुआ है हमारे में, मोजरेला चीज आया हुआ है हमारे में, ठीक है, एंड डेयरी बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो आए हुए हैं वो बता दिए। कॉमन डिफेक्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट एंड देयर रेमेडियल मेजर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मैंने किसी पेपर में देखा, बट एक बार देख लीजिएगा, मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैकेजिंग उसकी इंपॉर्टेंट है मीट की, ठीक है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMPs, ये पूछा जा सकता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ HACCP तो आना ही आना है, ठीक है, और GMP भी एक बार देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक मिल्क प्रोडक्ट
देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, देख लीजिएगा इसे, बहुत ज्यादा नहीं। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन इन मिल्क प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। डेयरी इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है वूल साइंस, वूल साइंस में इंट्रोडक्शन टू वूल फॉर टाइट एंड स्पेशलिटी फाइबर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। ग्लोसरी ऑफ टर्म्स ऑफ वूल प्रोसेसिंग, इसमें वन वन मार्क में जितने, हाँ जितने आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे ना, ऑब्जेक्टिव ये इस वाले टॉपिक से जरूर बनेंगे। ग्लोसरी ऑफ टर्म ऑफ वूल प्रोसेसिंग, वूल प्रोसेसिंग, इससे इतने ऑब्जेक्टिव बनने हैं आपके, इतने फिलअप सब कुछ इससे बनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ वूल फॉलिकल। हमारा भी पूछा गया है वूल फॉलिकल, प्राइमरी और सेकेंडरी वूल फॉलिकल में हमारा क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोस्ट शेयरिंग ऑपरेशन ऑफ वूल, क्लासिफिकेशन ऑफ वूल, ग्रेडिंग ऑफ वूल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल इंपॉर्टेंट है। इंप्योरिटीज ऑफ वूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा भी आया हुआ है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द क्वालिटी ऑफ वूल एंड ब्रीफ आउटलाइन ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल, नहीं होता है। एबोटर प्रैक्टिसेस एंड एनिमल बायप्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, यूनिट थर्ड, इसमें आता है हमारा लेआउट एंड मैनेजमेंट ऑफ रूरल अर्बन एंड मॉडर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, लॉन्ग के हिसाब से। SECCP concept in abattoir management, very 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 important question, ठीक है। FSSAI standard on organization and layout of abattoir, animal welfare, pre slaughter care, handling and transportation of meat animal including the poultry, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। प्री स्लॉटर केयर एक बार देख लीजिएगा, ये कई बार पूछ लिया है। प्रोसीजर ऑफ एंटीमार्टम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ मीट एनिमल, 110% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्लॉटरिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ मीट एनिमल एंड बर्ड्स, स्लॉटरिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ बर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार। एमरजेंसी एंड कैजुअलिटी स्लॉटर, दोनों ही हमारे शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, देख लीजिएगा। इवेल्युएशन ग्रेडिंग फैब्रिकेशन ऑफ ड्रेस्ड कार्कस इंक्लूडिंग द पोल्ट्री, वही ऑब्जेक्टिव ये सॉरी प्रैक्टिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एबटॉयर बाय प्रोडक्ट रेंडरिंग मीट बोन ग्लू जिलेटिन फैट बाय प्रोडक्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल वैल्यू, इससे क्वेश्चन बनता है, एबटॉयर बाय प्रोडक्ट से क्वेश्चन बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें रेंडरिंग है, ये शॉर्ट नोट में आ सकती है रेंडरिंग, टाइप ऑफ रेंडरिंग, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो हमारा ये फार्माकोलॉजिकल वैल्यू वाले हैं, ठीक है। स्किन एंड हाइट, स्किन एंड हाइट से भी क्वेश्चन बनता है, हमारे में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। मेथड ऑफ फ्लाइंग, रिजर्वेशन, टैनिंग पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है टैनिंग क्या होता है, ठीक है। शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है टैनिंग क्या होता है। ट्रीटमेंट ऑफ कंडेंस्ड मीट एंड कार्कस, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ इफ्लुएंट, ये 12th, ये जो मैनेजमेंट ऑफ इफ्लुएंट फ्रॉम द एबिटर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ट्रीटमेंट ऑफ कंडेंस्ड मीट एंड कार्कस, ये भी हमारा आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा मीट साइंस, मीट साइंस से हमारा यूनिट 4 से क्या आता है, मीट इंडस्ट्री इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मी मसल, ये पूछा ही गया है, हमारे में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ मसल टू मीट आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मीट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हमने देखा नहीं है, ठीक है। फॉर्मुला सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीट आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड पोल्ट्री आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए शुरू के कितने 6 टॉपिक में से हमारे ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक आए हुए हैं पेपर में क्वेश्चन एज इट इज। तो मीट साइंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा इससे आपका क्योरिंग पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ठीक है। एजिंग ऑफ मीट देख लीजिएगा क्या होता है। मॉडर्न प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट, हमारे इंटरनल में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। पैकेजिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मीट, ये नहीं आया, ये मैंने कहीं भी नहीं देखा है, ठीक है। पर आने के लिए आ सकता है, बट मैंने कहीं देखा नहीं है, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ मीट प्रोडक्ट नहीं देखा मैंने। फिजियोकेमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ मीट एंड प्रोडक्ट नहीं देखा है मैंने कहीं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंसरी इवैल्यूएशन ऑफ मीट प्रोडक्ट, ये एक बार हमारे इंटरनल में आया है, ठीक है। न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पैकेजिंग ऑफ एग एंड एग प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। लो बर्निंग नेशनल इंटरनेशनल, वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है। तो मीट साइंस से आपके कम से कम 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जो आए हुए हैं पेपर में और इंपॉर्टेंट है, तो मीट साइंस को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मिल्क बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 2 यूनिट से बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। उसके बाद एबटॉयर पढ़िएगा, और उसके बाद सबसे कम जो ऑब्जेक्ट मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आता है वो वूल से आता है, ठीक है। अब बाकी टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के मतलब हो दे, ठीक है। वैसे तो आपकी पेपर 1 में 2 यूनिट आनी है, पेपर 2 में 2 यूनिट आनी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चीजें देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू लेट्स स्टडी।